एबीपीएस न्यूज। प्रदेश में प्रत्येक जनपद में भारी तादाद में रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के सदस्यों द्वारा प्रथम सत्र में अधिवेशन एवं तृतीय सत्र में चुनाव का कार्यक्रम संपादित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित किया गया, जिनमें विनोद कुमार सिंह को प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया है। साथ ही चंद्रमोहन शुक्ला हमीरपुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया है। ललित नारायण प्रशांत आगरा के प्रांतीय महामंत्री के पद पर निर्वाचित किए गए। देवानंद श्रीवास्तव जनपद बाराबंकी में बतौर कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उदयवीर सिंह यादव जनपद बदायूं के सचिव पद पर निर्वाचित किए गए। संजीव चौहान जनपद अलीगढ़ के ऑडिटर के पद पर निर्वाचित किए गए। वहीं रामकृष्ण मिश्रा बतौर कोषाध्यक्ष जनपद इलाहाबाद के लिए चुने गए। गोपाल प्रसाद मिश्रा हमीरपुर में संगठन मंत्री मध्य प्रक्षेत्र के पद पर निर्वाचित किए गए। ब्रह्मपाल सिंह को भी बतौर संगठन मंत्री मध्य प्रक्षेत्र जनपद बिजनौर में निर्वाचित किया गया है। चुनाव अधिकारी एसएन पांडे सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार कानूनगो ने भी सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। टीम के साथ गए वहां, इलेक्शन की तैयारी में सब लगे थे। उत्तर प्रदेश के सभी अन्य जनपद के लोग पूरी तैयारी से आए थे। हम लोग कम ही लोग गए थे, हमारी संख्या भी रजिस्ट्रार कानूनगो की वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, लेकिन जब विनोद भैया का प्रस्ताव हुआ और सभी लोग काफ़ी दिन से देखते थे और इनके विरुद्ध जो लड़े थे वो कभी भी मीटिंग में नहीं आते थे। विनोद भैया का व्यवहार, इनका संगठन के प्रति जुझारूपन रहना, हमेशा ये मिर्जापुर जनपद के हम सभी लोगों को अपने साथ लेके जाते थे। इससे पूरे प्रदेश के लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इनको पूर्ण समर्थन दिया। काम करने वाले अच्छे नेता हैं विनोद सिंह, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हम लोग बधाई देने आए हैं उनको, बहुत खुशी है हम लोग को। पूर्व रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के उपाध्यक्ष मैं यह जानकारी आपको देना चाहूँगा कि कल लखनऊ में छेदीलाल धर्मशाला में उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की का अधिवेशन हुआ, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर से विनोद सिंह को अध्यक्ष बनाने की रणनीति तैयार की। इसके क्रम में एक प्रतिद्वंदी द्वारा पहली बार मिर्जापुर से किसी भी संगठन, लेखपाल हो चाहे रजिस्ट्रार कानूनगो, मजबूत होगा, क्या असर पड़ेगा इसका? इस पर संगठन पर मजबूत होगा और संगठन पर असर पड़ेगा, इसलिए कि युवा नेतृत्व को देख करके ही सदस्यों ने ये भार दिया है। निश्चित रूप से यह संघ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो।